रिलेशनशिप को लेके बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई रिलेशनशिप है तो दैट इज सोर्स रिलेशनशिप। आपका सोर्स कौन है? आपके माता पिता। अगर आपके संबंध वहां ठीक नहीं है तो आपकी पूरी जिंदगी ठीक नहीं चलेगी, याद रखना ये बात। जैसे गंगा का पानी गंगोत्री से निकलता है, वहीं से गंदा पानी आना चालू हो जाएगा तो पानी गंदा ही रहेगा, करेक्ट? देयर आर ओनली टू पीपल इन दिस वर्ल्ड हु कैन गिव यू पावर, हु कैन गिव यू ब्लेसिंग्स। और अगर वो ब्लेसिंग्स आपके साथ आ जावे तो दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकेगी। फादर जो है वो आपको पावर दे सकते हैं, बिकॉज दैट इज अनकंडीशनल। रिमेंबर दिस, देयर आर ओनली टू पीपल इन दिस वर्ल्ड हु लव यू अनकंडीशनली एंड दे आर योर पेरेंट्स। योर मदर कैन गिव यू ब्लेसिंग्स एंड मेनी अ टाइम्स वी इग्नोर अवर पेरेंट्स, वी डोंट टॉक टू, इंक्लूडिंग माई सेल्फ समटाइम्स आई इग्नोर, तो यू नो आई ट्राई टू रिकलेक्ट, आई ट्राई टू कॉल देम, वॉट एवर, जो भी है सो। बट यू हैव टू रिमेंबर, यू विल गेट पावर ओनली इफ योर पेरेंट्स आर विथ यू। सो एक पिक्चर था, रणबीर कपूर फॉरेन जाता है, फोटोग्राफर रहता है, उसका फादर रहता है, उसकी दूसरी शादी करता है, ये जवानी है दीवानी, राइट? तो जब वो पिक्चर फोटोग्राफ करने निकलते जाता है तो बोलता है मैं ना बोलूँ तो तू नहीं जाएगा बेटा, तो बोलता है पापा आप ना बोलोगे तो नहीं जाऊँगा। एंड देन हिज फादर सेज जा बेटा जा, तू जो भी काम करेगा उसमें बरकत होगी, आई एम ऑलवेज विथ यू। सो व्हेन योर फादर इज विथ यू नोबडी इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप, दैट इज द पावर ऑफ ब्लेसिंग। और हम भी जैसे करते हैं हमारे बच्चे को, बेटा गेट दिस वर्क ऑर्डर फॉर मी, या ये मैं काम मेरे लिए लेके आना, यू गिव हिम दैट पावर। हमने भी जो अपने बच्चों को देना है इसी तरीके से ब्लेसिंग देना है, बेटा यू कैन डू इट फॉर मी एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू विन इट, वो तो पक्का जीतने वाला है। और अगर जीता नहीं तो भी उसको कुछ नहीं बोलना, बेटा इट्स फाइन, नेक्स्ट टाइम अगली बार क्यों चिंता करता है, मैं हूं ना तेरे साथ। तो दिस सोर्स रिलेशनशिप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट।